नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुमला में देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कर भेजा गया जेल। एसपी एहतेशाम बकारीफ के निर्देश पर डुमरी पुलिस द्वारा छापामारी अभियान में देसी पिस्तौल कारतूस के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में जेरागी निवासी अभिषेक नायक, महेंद्र कुम्हार और टाटी निवासी प्रवीण भगत शामिल हैं। पूरे मामले का खुलासा मंगलवार को पुलिस अभियान एसपी ने प्रेस वार्ता कर किया। अभियान एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जरा गेट के समीप कुछ लोग बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। थाना प्रभारी डुमरी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखते हुए भागने लगा, जिसे दौरा कर पकड़ा गया। उसने अपना नाम महेंद्र कुमार बतलाया। महेंद्र ने बताया कि उसके साथ 2 अन्य साथी टाटी निवासी प्रवीण भगत और बैरागी निवासी अभिषेक नायक थे। कड़ाई में पूछताछ में बताया कि हथियार और गोली अभिषेक को दिया है। इसके बाद जैरागी से अभिषेक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रवीण भगत के घर टाटी जाकर उसे भी घर से गिरफ्तार किया गया। गुमला जिला ब्यूरो राजन पांडे की रिपोर्ट। 20 सितंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जो हैं वो डुमरी थाना क्षेत्र में स्पेशली जैरागी एरिया में कोई अपराध की योजना बना रहे हैं। इसी आलोक में एसपी साहब के द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व जो है डुमरी थाना प्रभारी के द्वारा किया गया। इसमें 3 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और एक देसी पिस्टल और एक गोली भी बरामद। क्या बैकग्राउंड है सर? बैकग्राउंड है जिसमें इसमें जो महेंद्र कुमार है वो उस पर 3 केस है। वो पहले भी जेल जा चुका है लूट के केस में और एक बार बलात्कार के केस में भी जेल में गया है। आर्म्स एक्ट के केस में भी जेल में गया है। और इसमें एक प्रवीण है, वो भी एक गुरदरी में घटना हुई थी लूट की, उसमें भी वो शामिल था। और बाकी एक जो अभिषेक है उसके आपराधिक इतिहास का हम लोग पता कर रहे हैं और आगे जैसा होगा सूचना। सर ये लोग 3 लोग ही थे कि और लोग भी थे? नहीं, 3 लोग थे। 3 लोगों की सूचना थी जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 ही अनुसंधान जारी। कोई संगठन से सर? नहीं, अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हुआ है उसमें किसी संगठन की सूचना नहीं आई है। बाकी हम लोगों का अनुसंधान जारी है, आगे जैसा होगा उसको अनुसंधान में वो चीजें आएंगी। थैंक यू सर।